हे गाइस, रश्मि भंसाली हियर। आप सभी का स्मार्ट ब्रेन क्लब में स्वागत है फॉर टुडेज स्मार्ट वुमेन। हे गाइस, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ अबाउट माय स्मार्ट ब्रेन चैनल। स्मार्ट ब्रेन चैनल ये 3 कैटेगरीज पे है। फर्स्ट कैटेगरी है स्मार्ट किड्स। स्मार्ट किड्स के अंदर मैं किड्स से रिलेटेड काफी डिफरेंट एक्टिविटीज के वीडियो इसमें अपलोड करती हूँ, और इंडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, काफी सारी एक्टिविटीज है। मैं स्पेशल नीड किड्स के लिए हेल्प करती हूँ, तो ADHD, ऑटिज्म, डिले डेवलप किड्स के लिए काफी सारी मैंने एक्टिविटीज प्लान की है। कुछ एपिसोड मैंने अपलोड भी किए हैं। इस कैटेगरी के वीडियोस भी मेरे YouTube चैनल पे देखेंगे। सेकंड है स्मार्ट होम। स्मार्ट होम में एज आर्टिस्ट मैं कुछ DIYs बनाती हूँ, डिफरेंट टाइप के एक्टिव आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें मैं बनाती हूँ, उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोस में इसमें अपलोड करती हूँ। थर्ड है स्मार्ट लाइफ। स्मार्ट लाइफ के अंदर मैं डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेशंस या यहाँ की मेरी अबुधाबी की लाइफस्टाइल और मेकअप ट्यूटोरियल या कॉस्ट्यूम, इन सब और ड्रेसअप, इन सब के बारे में मैं उसमें कुछ एपिसोड शेयर करने वाली हूँ। तो आपका जिस कैटेगरी में इंटरेस्ट है उसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ, तो आप आपके कैटेगरी के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली वीडियो चेक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एपिसोड। आज का एपिसोड है कैमल मिल्क एंड मेंटल हेल्थ। आपने अब तक काऊ मिल्क के बहुत सारे बेनिफिट्स या उसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा और समझा होगा, पर आज मैं आप लोगों के लिए न्यू लेके आई हूँ कैमल मिल्क के बेनिफिट्स अबाउट मेंटल हेल्थ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैमल मिल्क के न्यूट्रिशनल वैल्यू। कैमल मिल्क में सेवरल टाइप के विटामिन और मिनरल होते हैं, प्लस इसमें लो ब्लड शुगर है, तो जिनको डायबिटिक है उनके लिए कैमल मिल्क द बेस्ट ऑप्शन है। कैमल मिल्क में एंटीऑक्सीडेंट तत्व ज़्यादा है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है मेंटल हेल्थ के लिए। कुछ बच्चों में लैक्टोज शुगर का एलर्जी होता है, जो कि काऊ मिल्क में ज़्यादा होती है लैक्टोज शुगर, और कैमल मिल्क में लैक्टोज शुगर कम होती है, तो वो बेनिफिशियल होता है जिन बच्चों का लैक्टोज शुगर के लिए इंटॉलरेंस है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कैमल मिल्क। तो अब देखते हैं हाउ कैमल मिल्क हेल्प इन ऑटिज्म और डिले डेवलप किड और स्पीच डिले डेवलप किड। बच्चा जब ऑटिस्टिक होता है या डिले डेवलप होता है तो बेसिकली हमें उसके कॉजेस नहीं पता है। डिफरेंट स्टडीज है, डिफरेंट डिबेट के टॉपिक है, डिफरेंट रीजंस है, बट एग्जैक्टली रीजंस किसी को भी नहीं पता कि ऑटिज्म बच्चों में आता क्यों है या डिले डेवलप बच्चे क्यों होते हैं। तो हमें जब रीजन ही नहीं पता तो हम उसकी दवाइयाँ कैसे ढूंढें। बट अगर किसी के कुछ एक्सपीरियंस है, किसी ने कुछ ट्राई किया है, तो हमें श्योरली वो चीज़ें देखनी चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने इसी को ध्यान रख के 3 साल पहले अपने बच्चों के साथ कैमल मिल्क का एक्सपेरिमेंट किया था। जब मैंने कैमल मिल्क यूज़ किया तो मैं उसके बेनिफिट बता रही हूँ। कैमल मिल्क के यूज़ की वजह से आई कॉन्टैक्ट में इम्प्रूवमेंट्स बहुत अच्छा होता है, प्लस बच्चों में बेसिकली ऑटिस्टिक बच्चों के बिहेवियर इश्यूज बहुत होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है या काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होती है बिहेवियर की। उनके कम्युनिकेशंस अच्छे होते हैं और स्पीच और लैंग्वेज उनको कंपेरेटिवली बहुत अच्छा आता है। बेसिकली कैमल मिल्क की वजह से मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। ADHD बच्चों में हाइपरनेस ज़्यादा होता है और शुगर इज़ अ वन ऑफ कॉज टू हाइपरनेस, और कैमल मिल्क में लैक्टोज शुगर कम होने की वजह से हाइपरनेस वो कम करता है कंपेरेटिवली कैमल मिल्क से। तो जो बच्चों में ADHD भी है उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा कैमल मिल्क वर्कआउट करता है। ADHD बच्चों में हाइपरनेस की वजह से उनके बिहेवियर्स के इश्यूज आते हैं, तो अगेन कैमल मिल्क बिहेवियर पे काम करता है या बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट्स करता है, दैट्स अगेन बेनिफिशियल फॉर ADHD किड्स ऑल्सो। कोई भी एज के लिए कैमल मिल्क आप स्टार्ट कर सकते हो, बट वही है कि आप जितने जल्दी इन्वेंशन होता है कोई भी डिसीज़ का, उतने जल्दी आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट्स करोगे तो वो बेनिफिशियल होता है ज़्यादा। जैसे 2 to 3 ईयर्स के बच्चों पे आप स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा कैमल मिल्क आपको बेनिफिशियल देगा। नॉर्मल किड्स को भी आप कैमल मिल्क यूज़ कर सकते हो, वो मेंटल हेल्थ अच्छा ही करता है कंपेरेटिवली काऊ मिल्क। ये थे अब तक बेनिफिट्स ऑफ कैमल मिल्क।
अब मैं बताऊंगी कि कैमल मिल्क कौन से फॉर्म में मिलता है। अगर आपके एरिया में रॉ कैमल मिल्क नहीं मिल रहा है तो आप कौन से फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। कैमल मिल्क ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, इसलिए रॉ फॉर्म में अगर अवेलेबल भी हुआ तो उसका यूज़ तुरंत करना होता है। बट रॉ फॉर्म के अलावा फ्रोज़न फॉर्म में मिलता है, लिक्विड और ड्राई मिल्क पाउडर भी मिलता है कैमल का, तो आप वो भी ट्राई ऑप्शन कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं कि कैमल मिल्क को बच्चों को देना कैसे है। फर्स्ट, कैमल मिल्क को कभी भी पूरा बॉयल नहीं करना है। जिस लेवल तक का टेम्परेचर बच्चे यूज़ करते हैं मिल्क का, उसी लेवल तक उसको गर्म करना है। अगर आप उसको बॉयल करोगे तो उसके बेनिफिट सब चले जाएंगे। जैसे हम काऊ मिल्क को पूरा बॉयल करके फिर ठंडा करके बच्चों के टेम्परेचर जो वो पीते हैं उतने लेवल पे करते हैं, इस तरीके से आप कैमल मिल्क के साथ नहीं कर सकते हो। कैमल मिल्क को बॉयल नहीं करना है। सेकंड, बच्चों को जब आप कैमल मिल्क स्टार्ट करते हो तब पूरा के पूरा मतलब रॉ फॉर्म में नहीं देना है, उसको डायल्यूट करना है। शुरुआत में जब आप देते हो तो 50% उसमें कैमल मिल्क और 50% उसमें वाटर मिक्स करके देना है, और धीरे धीरे वाटर का लेवल कम करते करते कैमल मिल्क को रॉ फॉर्म में फुल फॉर्म में देना है। कैमल मिल्क के बेनिफिट्स आपको तुरंत नहीं दिखेंगे, इट्स नॉट अ मैजिक वैंड, बट आप जब 6 महीने बाद साल भर बाद इम्प्रूवमेंट्स देखोगे तो आपको बहुत अच्छे और गुड इम्प्रूवमेंट्स बच्चों में नज़र आएंगे। तो गाइस, कंक्लूजन ये है कि ट्राई कैमल मिल्क फॉर योर किड्स, नॉर्मल किड्स और स्पेशल नीड किड्स, और स्पेशली ऑटिस्टिक और ADHD किड्स के लिए एटलीस्ट आप एक बार ट्राई करो फॉर अ 6 मंथ और 1 ईयर, और आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। इट्स अ मिरेकल फॉर स्पेशल नीड किड्स। ये मेरा अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल्स में नहीं गई हूँ क्योंकि इसके ऊपर डिबेट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। बट माई सेल्फ एक्सपीरियंस, मैंने अपने बच्चों को 2-3 साल तक दिया कैमल मिल्क और उसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो हे गाइस, आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।